तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि थंबनेल आपके बीच में नजर आ रहा है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर पर, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है आपका रिजल्ट भैया जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से जो है किसी कारण संतुष्ट नहीं है। वो लगातार हमसे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हम अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, हमारे लिए क्या ऑप्शंस बन सकता है, ठीक है। बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या पास वाले। कल हमने एक स्क्रूटनी के फॉर्म के बारे में आप सभी को इन्फॉर्म किया था, आप हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या जिनका बैक लग गया है क्या वो भी स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और आगे देख सकते हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कॉपी को रीचेकिंग कैसे करें, है ना भाई। आप कॉपी के रीचेकिंग के बारे में हमसे कह रहे थे कि हम भैया अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो हम रीचेकिंग किस तरह से करवा सकते हैं, बिल्कुल इस पर भी बात होगी। बैंक वाले क्या करें समझ लो, और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि भैया अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये जैसा कि देख सकते हैं स्क्रूटनी का, ठीक है। आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए हम मानते हैं भाई, भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, आप किसी पेपर में फेल हो, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, रिजल्ट तो आपका घोषित हो गया है, आपको बखूबी पता है कि हम पास हैं कि फेल हैं। तो अगर आप फेल हो चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए स्क्रूटनी का फॉर्म मस्ट है। बट अगर आपका बैक भैया किसी का 3 नंबर से लगा है, किसी का 4 नंबर से लगा, किसी का 6 नंबर से लगा है, तो 6 नंबर 4 नंबर वालों के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं होता है मेरे हिसाब से, है ना। और कभी बढ़ता भी नहीं है स्क्रूटनी के फॉर्म में 3 नंबर। हाँ, पॉसिबिलिटी 1 नंबर और 2 नंबर की होती है, 1-2 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन ये कोई माने बात नहीं होती है कि स्क्रूटनी का फॉर्म आप डाल दिए हैं तो आपका नंबर बढ़ ही जाएगा। नहीं, इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं हमारा बढ़ जाएगा, तो भैया हम श्योरली आपको नहीं कहेंगे कि आपका नंबर बढ़ ही जाएगा, है ना। अब देखिएगा भाई, अगर आप पास हो गए हैं तो भी आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं, हो सकता है आपका भी एक आध नंबर बढ़ जाए, बट नंबर घटेगा नहीं, बड़ी चीज ये है, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं यार नंबर हमारा घट जाएगा तो हम क्या करेंगे, नंबर इसमें घटता नहीं भैया, है ना, इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। अब यहाँ कॉपी को हम रीचेकिंग कैसे कराएंगे, रीचेकिंग कराने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हालांकि नहीं होते हैं, ठीक है। यहां स्क्रूटनी के फॉर्म में आपकी कॉपी चेकिंग नहीं होती है, स्क्रूटनी के जब आप स्क्रूटनी कराते हैं तो स्क्रूटनी में सिर्फ अंक का अनुसंधान होता है, ठीक है, यानी अंकों की गणना की जाती है। जैसे एग्जामिनर जब कॉपी को चेक कर रहा था तो कॉपी को चेक करते समय हो सकता है वो 1 नंबर 2 नंबर कहीं छोड़ दिया हो, किसी क्वेश्चन का नंबर काउंट ना किया हो, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो आपका वही नंबर बढ़ता है, ऐसा नहीं कि कॉपी को चेक करते हैं, नहीं, चेक नहीं करते हैं, ठीक है। कॉपी को आप रीचेक करवा सकते हैं, इसके लिए आपको परीक्षा नामक प्राधिकारी विजिट करना होगा या आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा। इसके बारे में विस्तृत नॉलेज आपको कॉलेज वाले भी जो भी सॉल्यूशंस है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऑप्शंस होता है कॉपी के रीचेकिंग का, ठीक। ऐसा नहीं है भाई हम आप संतुष्ट नहीं है तो हमारे लिए सॉल्यूशन तो है ही कि हम कॉपी को रीचेक करवाएंगे, ठीक। आपने हमें गलत नंबर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें 20 नंबर मिलना चाहिए था, हमने बिल्कुल फैक्ट लिखा लेकिन किसी को 15 नंबर मिला है, किसी को 16 नंबर मिला है। हालांकि रीचेकिंग ये थोड़ा सा झंझटी काम होता है, इस पर कोई जाता नहीं है, लेकिन भाई अगर आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन से आप रीचेकिंग करवा सकते हैं कॉपी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसी में नहीं, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, हर एग्जाम में आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप रीचेक को करवा सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। नहीं तो ऐसा तो सब लोग सोचते हैं, ठीक है, कि यार हमको नंबर इतना मिलना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम कॉपी को किस तरह से लिखे हैं, ठीक है। वैसे कंडीशंस ज्यादा नहीं होती है, ठीक है,
के नंबर आपके बढ़ जाएंगे, बट हो सकता है भाई रेयर केस में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हो और उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको नंबर ना मिला हो, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी हाँ, बैंक वाले क्या करें, बैंक वालों के पास देखिएगा, मैंने आपको बताया है, अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैंक लगा है तो आपका पूरा सेमेस्टर बैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैंक लगा है तो आपको 2 सब्जेक्ट का बैंक देना है, उसके बाद आप अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैंक लगा है तो भैया आप इतना कॉन्फिडेंस आप बांध दीजिए, हमें अगले सेमेस्टर को बीट करना है, प्लस उसके साथ साथ जिसमें हमारा बैंक लगा है, ठीक है, उसको भी आपको क्वालिफाई करना है, अन्यथा की स्थिति में एक चांस आपको इसमें मिलेगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि आपको बैंक के लिए, ठीक है, अधिकतम 3 चांस मिलते हैं। अगर 3 अटेम्प्ट में, ठीक है, जैसे 2 सब्जेक्ट में आपका बैंक लगा, आपने एक बार बैंक दिया क्वालिफाई नहीं हुए, 2 बार बैंक दिया क्वालिफाई नहीं हुए, 3 बार आपने बैंक दिया क्वालिफाई नहीं हुए, 4थी बार जब आप बैंक देंगे तो पूरा सेमेस्टर आपका बैंक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है आप पहले अटेम्प्ट में इसे क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है, इसी में भलाई है। अगर भाई लटक गए तो लटक जाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से इस चीज को आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा भैया, ठीक है। स्क्रूटनी का फॉर्म आपका रिजल्ट जब से जारी हुआ उसके 30 दिन के अंदर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 100 रुपए देना होगा, यानी 2 सब्जेक्ट में आप अधिकतम भर सकते हैं तो 100-100 रुपए आपको, यानी 200 रुपए देना होगा। कॉलेज वाले क्या कुछ दक्षिणा लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बताया है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा भैया वो आप जो है दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। आप जनवरी मानकर चलिएगा, ठीक है, कि जनवरी में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है, कम जनवरी में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगे। अब जनवरी के सेकेंड वीक तक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है, जनवरी का थर्ड वीक भी हो सकता है, बट जनवरी में 100% आपकी परीक्षाएं बिल्कुल प्रस्तावित है और हो भी जाएंगे। और एग्जाम फॉर्म वगैरह का आप कह रहे थे, एग्जाम फॉर्म ये मानकर चलेगा कि हो सकता है इस महीने के लास्ट तक, वैसे चांसेस तो नहीं बन रहे हैं, पहले ऐसा बताया जा रहा था कि नवंबर के लास्ट तक एग्जाम फॉर्म भराए जाएंगे, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, दिसंबर में आपके एग्जाम फॉर्म भराए जाएंगे। बाकी टीचिंग वगैरह तो आपकी चल ही रही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग तो यार टीचिंग में फेल हो गए हैं, ठीक है, टीचिंग में अगर आप फेल हुए हैं तो आपके लिए बड़ी विकट समस्या, आपकी गलती है, ठीक है, उसमें कोई किसी का रोल नहीं हो सकता। चलिए अगर आप अपने लिखित परीक्षा में क्वालिफाई नहीं होते तो कुछ समझ में आता, लेकिन आप टीचिंग में यार फेल हो गए, ये दिक्कत है, ठीक है। तो जो भी है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कहीं अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं, ठीक है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी मेरे हिसाब से वैसे मैं कोई डाउट्स आपका छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल फिर आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।